सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। दिल्ली विधानसभा चुनावों में एक करारी शिकस्त मिली है भारतीय जनता पार्टी को, जिसको लेकर पार्टी में खलबली मची हुई है। चाहे वे पश्चिम बंगाल हो, वहां भी भाजपा के खेमे में खलबली मची हुई है। और यदि आप दिल्ली की बात करें तो जेपी नड्डा ने भी मनोज तिवारी से जवाब मांगा है कि आखिर यह हार, आखिर इतनी बड़ी शिकस्त कैसे मिली भारतीय जनता पार्टी को। आपको पता है कि तमाम जितने भी स्टार प्रचारक हैं सभी दिल्ली में मौजूद थे, अपने अपने बयान दे रहे थे, करीब 250 से ज़्यादा रैलियों को भी अंजाम दिया, जनसभाएँ कीं, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और यह कोई छोटी हार नहीं है, एक बहुत ही करारी शिकस्त है। यदि आप पिछले बार की अपेक्षा यह सोचें कि 5 सीट अधिक मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो यह आपका सोचना गलत होगा, क्योंकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल भी फ्रेशर के रूप में आए थे। इस बार उन पर कई आरोप भी लगाए जा रहे थे और यहाँ पर एक हिंदू मुसलमान की राजनीति भी आरंभ हो चुकी थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं 5 सीटों का फायदा हुआ है। लेकिन एक प्रचंड जीत जो उन्होंने लोकसभा चुनावों में दर्ज की थी, उसको देखते हुए यह 8 सीटें बहुत ही कम हैं और इस तरह की प्रचंड जीत हासिल करने वाले दल के लिए को शर्मसार कर देने वाली यह हार है। यहाँ अमित शाह ने अपनी हार का कारण बताया है, भाजपा की हार का कारण सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह यहाँ पर गोली मारो और भारत पाकिस्तान के मैच की बात कही गई है, नारे लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं यही हार का हमारे कारण बना है। इस तरह के नारों को, इस तरह के बयानों को भारतीय जनता पार्टी कतई स्वीकार नहीं करती है और ना ही यह उसकी विचारधारा है। इस तरह के नारों को लगाने के कारण ही उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर अमित शाह का दोहरा रवैया सामने आ रहा है। दिल्ली चुनावों के आरम्भ होने से बहुत पहले ही यह नारा दिया था कपिल मिश्रा ने, जब CA और NRC का विरोध चल रहा था, जब वे कनॉट प्लेस में घूम घूम कर कह रहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। फिर यह बयान पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाता है और वहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के द्वारा भी यही बयान दिया जाता है कि प्रदर्शनकारियों को हमने कुत्ते की तरह गोली मारी थी। प्रवेश वर्मा सामने आते हैं, वह आतंकवादी कहने से नहीं चूकते अरविंद केजरीवाल को। फिर अनुराग ठाकुर का भी बयान आता है, वह भी गोली मारने वाली बात को लगातार कहते हुए नजर आ रहे थे। तब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी शीर्ष नेता निकलकर सामने नहीं आता है, और बल्कि जब तक दिल्ली विधानसभा के चुनावों के परिणाम नहीं आ जाते हैं, और हम ये कहेंगे जब तक वोट नहीं डल जाते हैं, मतदाता वोट बूथों में पहुंचकर वोट नहीं डाल देते हैं, उसके पहले तक इस तरह के बयान लगातार आ रहे थे, चाहे भारत पाकिस्तान की बात हो या फिर गोली मारने वाली बातें हों। लेकिन उस समय अमित शाह ने बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया, बल्कि वह खुद भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आ रहे थे और वह यह भी कह रहे हैं कि पार्टी की यह विचारधारा नहीं है, पार्टी इस तरह के बयान नहीं देती है। तो पार्टी के सदस्य ही तो आपकी पार्टी हैं, वह बयान दे रहे थे, आप गृह मंत्री होते हुए भी उन पर किसी प्रकार की लगाम नहीं लगाई, लेकिन हार के बाद शायद अब आपको अक्ल आ गई है। हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा सुनने को बिल्कुल भी प्राप्त ना हो। क्या अमित शाह अपनी इस बात पर अडिग रहेंगे और आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हुए नजर नहीं आएंगे? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।